सब्सक्राइब कीजिए इंडियन रोजगार यूट्यूब चैनल को इस लाल रंग के सब्सक्राइब बटन को दबाकर और इस घंटी को दबाइए ताकि आप पास के हर नई सरकारी नौकरी एडमिट कार्ड एग्जाम रिजल्ट से जुड़ी सूचनाएं सबसे पहले। नमस्कार दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल इंडियन रोजगार में। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे इंडियन नेवी MR मैट्रिक रिक्रूट से जुड़े कुछ क्वेश्चंस के बारे में, जो कि काफ़ी ज़्यादा कमेंट्स में पूछे जा रहे थे। आज की इस वीडियो में मैं आपके सभी क्वेश्चंस के जो है आंसर देने वाला हूँ MR से रिलेटेड। तो इस वीडियो में हम जो क्वेश्चंस कवर करेंगे वो हैं, कितने परसेंटेज पर आपके MR के एडमिट कार्ड आते हैं, कब से आपके ऑनलाइन फॉर्म भरे जाएंगे, क्या फॉर्म भरे ना भरे, क्या काम आपको जो है MR में करना होता है, प्रमोशन आपको कहाँ तक मिलता है, क्या फैसिलिटीज़ आपको MR में मिलती हैं। इस वीडियो में सभी डाउट्स इस वीडियो में जो है मैं आपकी MR से रिलेटेड क्लियर करने वाला हूँ। तो दोस्तों वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा, खासकर अगर आप 10th पास है और अगर आप सरकारी नौकरी पाना चाहते हैं तो इस वीडियो को लास्ट तक देखिएगा, क्योंकि काफ़ी इंपॉर्टेंट वीडियो आपके लिए होने वाली है। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। दोस्तों वीडियो शुरू करने से पहले आपसे एक रिक्वेस्ट करूंगा कि अगर आपको वीडियो पसंद आ जाए तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, साथ ही आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं और उसके बगल में आपको एक नोटिफिकेशन बेल दिखेगी, उसे दबा लीजिएगा ताकि जैसे ही हम नई वीडियो अपलोड करें आपको उसका नोटिफिकेशन मिल जाए। तो चलिए बात करते हैं कि आपके जो MR होता है उसके जो एडमिट कार्ड होते हैं वो कितनी परसेंटेज पर आते हैं। तो दोस्तों अगर आप MR के लिए अप्लाई करना चाहते हैं तो आप जो है अप्लाई कर सकते हैं। सिंपल, आप 10th पास हैं तो इसके लिए आप अप्लाई कर सकते हैं। 10th की परसेंटेज के अकॉर्डिंग ये आपके एडमिट कार्ड की शॉर्ट लिस्ट लगती है, उसके बेसिस पर ही आपके एडमिट कार्ड आते हैं। ये जो एडमिट कार्ड आते हैं दोस्तों ये स्टेट वाइज डिफर करते हैं, स्टेट वाइज कट ऑफ लगती है, शॉर्ट लिस्ट लगती है MR के एडमिट कार्ड के लिए, क्योंकि दोस्तों जो वैकेंसीज होती हैं वो स्टेट वाइज ही होती हैं। यानी मान लीजिए कि हरियाणा में मान लीजिए कि आपकी 100 वैकेंसीज हैं, पंजाब में 50 हैं, उत्तर प्रदेश में 200 हैं, मान लीजिए दोस्तों इतनी वैकेंसीज हैं, तो इनके अकॉर्डिंग ये आपके जो है एडमिट कार्ड आते हैं। क्योंकि दोस्तों एक ही दिन आपका जो है सभी प्रोसेस क्लियर हो जाता है, तो वो काफ़ी ज़्यादा जो है सभी को इस एग्ज़ाम के लिए नहीं बुलाते हैं, एक पर्टिकुलर परसेंटेज पर कट ऑफ लगती है। मान लीजिए उनको 500 बच्चे बुलाने हैं और 500 बच्चे आपके जो है 70% तक कम्प्लीट हो जाते हैं, तो वो 70% तक ही जो है उनको जो है कॉल लेटर भेजेंगे और जो कम परसेंटेज वाले हैं उनको जो है कॉल लेटर नहीं भेजेंगे। तो इस प्रकार आपकी जो है कट ऑफ लगती है। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको समझ आ गया होगा। फिर मैं आपको बता देता हूँ कि मान हरियाणा में दोस्तों पिछली बार जो MR के एडमिट कार्ड आए थे वो 92% पर आए थे, और दोस्तों इस प्रकार जो है प्रत्येक स्टेट की कम लगती है, जैसे कि बिहार हो गया, झारखंड हो गया, छत्तीसगढ़ हो गया, महाराष्ट्र हो गया, आंध्र प्रदेश हो गया, मध्य प्रदेश हो गया, उत्तर प्रदेश हो गया, इनकी परसेंटेज कट ऑफ जो है हरियाणा से जो है कम लगती है। यानी मान लीजिए अगर आपके 90 हैं तो इन स्टेट्स में आपके एडमिट कार्ड आने के काफ़ी ज़्यादा चांसेस बन जाते हैं। जम्मू कश्मीर हो गया, इनमें दोस्तों कम जो है परसेंटेज पर एडमिट कार्ड आ जाते हैं। और दोस्तों जो आपके जैसे त्रिपुरा, मेघालय, असम, इन राज्यों में दोस्तों अलग से फॉर्म निकलते हैं MR के, SSR के, AA के, तो उनमें जो है काफ़ी कम परसेंटेज पर आपके जो है एडमिट कार्ड आ जाते हैं। अप्रोक्सीमेट 50 या फिर 50 से भी कम परसेंटेज पर इन स्टेट में आपके एडमिट कार्ड आ जाते हैं। तो उम्मीद करता हूँ कि आपके जो है एडमिट कार्ड से रिलेटेड क्वेरी कंप्लीट हो गई है, यानी क्लियर हो गई है। कोई क्वेश्चन अभी भी आपका बचा है तो कमेंट बॉक्स में पूछ लीजिए। MR के एडमिट कार्ड जो है काफ़ी हाई परसेंटेज पर आते हैं, खासकर डेवलप्ड राज्यों में, और जो जैसे कि मेघालय, अरुणाचल प्रदेश, असम, त्रिपुरा, इन राज्यों में दोस्तों अलग से फॉर्म निकलते हैं SSR, MR और जो है AA के, तो जब फॉर्म निकलेंगे उनकी काफ़ी कम शॉर्ट लिस्ट लगती है एडमिट कार्ड के लिए एज़ कम्पेयर टू अदर स्टेट्स। तो कोई क्वेश्चन अभी भी आपका एडमिट कार्ड से रिलेटेड रह गया हो तो कमेंट में पूछ लीजिए। अगला जो क्वेश्चन है वो आपका है कि आप जो है इसके लिए फॉर्म अप्लाई करें न करें। तो दोस्तों डेफिनेटली आप इसके लिए अप्लाई करें, क्योंकि दोस्तों इसके लिए कोई भी आपकी एप्लीकेशन फ़ीस नहीं है, आप बिल्कुल फ्री में इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। और दोस्तों जैसे ही जो इसके फॉर्म ऑनलाइन स्टार्ट होंगे 18 जून से, आपको मैं बता दूंगा कि किस प्रकार आप अपने मोबाइल से ही फ्री में जो है MR के फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। तो वो वीडियो आपकी जो है 18 जून को आ जाएगी, उसके लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, नोटिफिकेशन बेल को ऑन कर लीजिए ताकि जैसे ही वीडियो आए आपको नोटिफिकेशन मिल जाए। तो ये था अप्लाई करें या ना करें, 100% आप अप्लाई करें। अगर आप 10th पास हैं और इसके लिए एलिजिबिलिटी रखते हैं तो आप डेफिनेटली इसके लिए अप्लाई करें। अगला जो क्वेश्चन था दोस्तों वो था कि आपका जो है
इसमें क्या काम करना होता है, किस प्रकार आपका जो है सिलेक्शन होता है। तो दोस्तों सबसे पहले आपका जो है एडमिट कार्ड आएंगे, उसके बाद आपको जो है एग्ज़ाम सेंटर दिया जाएगा, वहाँ पर आपका जो है सबसे पहले रिटर्न एग्ज़ाम होगा जिसमें आपके 30 क्वेश्चन आपके होंगे, वो अगर आप क्लियर करते हैं ऑन द स्पॉट 1-1.5 घंटे में आपका जो है ऑन द स्पॉट रिजल्ट बता दिया जाएगा। अगर आप उसमें क्वालिफाई करते हैं तो आपको फिजिकल के लिए ऑन द उसी दिन जो है फिजिकल करवा दिया जाएगा। फिजिकल में आप जो है नेवी का सारा फिजिकल जो है सेम है, जैसे कि 1600 मीटर रेस आपकी 6.5 मिनट में, 10 पुशअप्स, 20 स्क्वाड्स अप, इस प्रकार के दोस्तों सभी फिजिकल जो है नेवी का सेम रहता है। अगर आप फिजिकल क्वालिफाई करते हैं तो आपको जो है मेडिकल के लिए बुलाया जाता है उसी दिन। अगर आपका जो है मेडिकल भी क्लियर हो जाता है तो आपकी जो है कुछ दिनों बाद जो है फाइनल मेरिट लिस्ट पब्लिश कर जाती है। तो दोस्तों अब बात करते हैं कि अगर आपका जो है फाइनल मेरिट लिस्ट में नाम आ जाता है, आपकी ज्वाइनिंग हो जाती है, तो आपको जो है वहाँ पर जाने के बाद क्या काम करना पड़ता है। तो दोस्तों जैसे आप ट्रेनिंग करेंगे उसमें आपको सब कुछ सिखा दिया जाएगा। और दोस्तों आपको जो ग्रेड मान लीजिए कि आपके लिए MR की जो जॉब होती है वो डी ग्रुप की जॉब होती है, जिसमें आपको सफाई कर्मी के रूप में भर्ती किया जाएगा, जैसे कि कुक हो गया, हाइजीनिस्ट हो गया, स्टेवार्ड हो गया, इस प्रकार के काम आपको वहाँ पर दिए जाएंगे, स्वीपर हो गया स्टेशंस में, इस प्रकार के काम आपको जो है MR में दिए जाएंगे। अब बात करते हैं दोस्तों आपकी ज्वाइनिंग हो गई, आपका सब कुछ हो गया, आपको ज्वाइन करे हुए काफ़ी टाइम हो गया, आपका प्रमोशन कहाँ तक जाएगा। तो दोस्तों आपका जो प्रमोशन है एज ए PT चीफ ऑफिसर तक आप जो है यहाँ पर MR के द्वारा जो है प्रमोशन के द्वारा पहुँच सकते हैं PT चीफ ऑफिसर तक, काफ़ी अच्छी रैंक होती है। और दोस्तों नेवी में काफ़ी ऑफिसर रैंक की जो पोस्ट होती है यहाँ तक आप जो है नेवी MR द्वारा पहुँच सकते हैं प्रमोशन ले लेकर। तो ये था प्रमोशन की बात। अब बात करते हैं कि दोस्तों आपको जो है क्या फैकल्टीज़ और मिलेंगी। तो दोस्तों एज अ सेलर यानी जो SSR होता है उसको जो फैकल्टीज़ मिलती हैं, जैसे इंश्योरेंस कवर 34 लाख का, अदर जो कैंटीन फैकल्टी, पेंशन फैकल्टी, ये सभी फैकल्टी आपको जो है नेवी MR में भी मिलेंगी। तो सभी फैकल्टीज़ आपको नेवी MR में मिलेंगी, आप बेझिझक होकर जाइए, जो और सैनिकों को मिलती हैं आपको भी सारी फैकल्टीज़ मिलेंगी। अब बात करते हैं दोस्तों कब से जो है आपके फॉर्म अप्लाई होना शुरू होंगे। तो आपके जो फॉर्म है वो आपके जो है 18 जून से जो है शुरू होंगे। और मैं आपको बता दूंगा किस प्रकार आप अपने मोबाइल से फ्री में अप्लाई कर सकते हैं। तो जानने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और दोस्तों और क्वेश्चन आपका कोई भी रह गया हो, कोई क्वेश्चन आपका जो है रह गया है तो आप जो है कमेंट बॉक्स में डाल दीजिए, या फिर आप हमारे व्हाट्सएप ग्रुप में ज्वाइन करके वहाँ पर भी आप हमसे पूछ सकते हैं, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। वहाँ पर भी आप जो है हमसे ज्वाइन होकर और काफ़ी ज़्यादा स्टूडेंट से जो है वहाँ पर आप डिस्कस कर सकते हैं। तो इस वीडियो में मैं आपको सिर्फ यही बताना चाह रहा था कि जो MR होता है वो 10th पास बेस्ड नौकरी होती है, उसके रिगार्डिंग आपकी सारी डाउट्स आज क्लियर हो गई होंगी। कोई भी डाउट बची हो तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर पूछिएगा, आपको इसका रिप्लाई मिल जाएगा। और आप हमारे व्हाट्सएप ग्रुप में ज़रूर से ज्वाइन हो जाइएगा, लिंक डिस्क्रिप्शन में है, वहाँ से आप डायरेक्टली हमारे व्हाट्सएप ग्रुप में ज्वाइन हो सकते हैं। तो दोस्तों अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, और दोस्तों अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए, और उसके साथ ही आपको एक बेल दिखेगी उसे ज़रूर दबाएगा ताकि आपको हमारी हर नई आने वाली वीडियो के नोटिफिकेशन मिलते रहें और आप किसी भी गवर्नमेंट जॉब, एडमिट कार्ड, एग्ज़ाम रिजल्ट से जुड़ी सूचनाओं को मिस न कर पाएँ। तो इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में। कोई क्वेश्चन हो, कोई क्वेरी हो, कोई सजेशन हो, कोई गलती हमसे हो गई हो, सभी आप कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए #IndianRojgar लिखकर। तो बहुत बहुत धन्यवाद आपका वीडियो देखने के लिए, मिलते हैं अगली वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।